और सीधे आपको ले चलते हैं प्रफुल्ल पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पवार साहब ने एक कमेटी का गठन किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ये कमेटी ने आगे की कार्रवाई के लिए फैसला करना चाहिए। अब वो कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों में, देश के अनेक मान्यवरों ने पवार साहब को, सुप्रिया जी को, मुझे फोन करके भी कहा, अनेक पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि आपने अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे राज्य में भी जो कई नेता है, मान्यवर है, विविध क्षेत्र के लोग हैं और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता है, इन्होंने पिछले तीन दिनों से बहुत अपनी भावना को तीव्र तरीके से व्यक्त करने का काम किया है और ये नज़ारा आपने और पूरे देश ने देखा है और आपके माध्यम से ही लोगों को देखने मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज उस समिति ने यहाँ पर बैठक उन्हीं के बनाई हुई समिति के अनुसार यहाँ पर आयोजित की और हमने सबने यूनैनिमसली सर्वानुमते ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनंती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनंती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिन्होंने आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कारोबार संभालना चाहिए। आप देश के एक माने हुए कद्दावर नेता हैं, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मानते हैं, आपका एक स्टेचर अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है और आपने आज सक्रिय राजनीति में रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। हमने कोई मर्यादा तो नहीं रखी है ना, हम चाहते हैं और अभी पिछले ही साल पवार साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हमने फिर से हमारी राष्ट्रीय मतलब बैठक में हमने दिल्ली में उनको चुना हुआ है तो उनका कार्यकाल जब तक है तब तक तो उनको रहना ही है और उसके बाद वो तो पार्टी फैसला करती है। पवार साहब ने खुद जो व्यक्त किया अपना डिसीजन उसको पार्टी मंजूर नहीं करती है और उनको गुजारिश करती है, विनंती करती है कि आपने अपने पद पे कायम रहना। तो ब्रेकिंग न्यूज में आपको बड़ी खबर बता दें, शरद पवार का इस्तीफा जो है नामंजूर कर लिया गया है। प्रफुल्ल पटेल की तरफ से जानकारी दी गई, कहा गया जो कमेटी बनाई थी उसकी तरफ से इसे नामंजूर कर दिया गया है और हम विनती करते हैं कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहें। पार्टी की भावना है कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहें, ये कहना है प्रफुल्ल पटेल का। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। साहिल, बीते तीन चार दिनों में लगातार तमाम तरह के उठापटक जिसमें कहा गया शरद पवार के फैसले का सम्मान करना चाहिए और अब वहां से बढ़कर कि हमने एक मत में गुजारिश की कि वो मान जाएं और वो अध्यक्ष बने रहें, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? साहिल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा साहिल जोशी से संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल
हम आपको बता दें कि शरद पवार का इस्तीफा जो है नामंजूर कर लिया गया है। प्रफुल्ल पटेल ने इस बात की जानकारी दी कि सभी ने एक साथ उनसे गुजारिश की थी और उस गुजारिश को उन्होंने मान लिया है। हम विनती करते हैं पवार जो है अध्यक्ष बने रहें। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आई, कहा हम नया अध्यक्ष नहीं चुन पाएंगे, आपका कद आपका सम्मान अलग है। अब वो कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों में, देश के अनेक मान्यवरों ने पवार साहब को, सुप्रिया जी को, मुझे फोन करके भी कहा, अनेक पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि आपने अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे राज्य में भी जो कई नेता है, मान्यवर है, विविध क्षेत्र के लोग हैं और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पिछले तीन दिनों से बहुत अपनी भावना को तीव्र तरीके से व्यक्त करने का काम किया है और ये नज़ारा आपने और पूरे देश ने देखा है और आपके माध्यम से ही लोगों को देखने मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज उस समिति ने यहाँ पर बैठक उन्हीं के बनाई हुई समिति के अनुसार यहाँ पर आयोजित की और हमने सबने यूनैनिमसली सर्वानुमते ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनंती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनंती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिन्होंने आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कारोबार संभालना चाहिए। आप देश के एक माने हुए कद्दावर नेता हैं, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मानते हैं, आपका एक स्टैचर अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है और आपने आज सक्रिय राजनीति में रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। तो यहां पर आपने सुना प्रफुल्ल पटेल को, मेरे सहयोगी मुस्तफा ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, ये कहना प्रफुल्ल पटेल का कि हम नया अध्यक्ष नहीं चुन पाएंगे, आपका कद ज्यादा बड़ा है और हमें परेशानी होगी, आपका इस्तीफा सर्वसम्मति से हम मना करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिला है और क्या इसके पीछे की खबर समझ में आ रही है? तो आपको बता दें कि मुस्तफा से भी हमारा संपर्क जो है शायद वो कट गया है क्योंकि लगातार खबरें वहां से आ रही हैं, भागम भाग वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन जश्न की तस्वीरें देखिए आप, ये जश्न की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ 15 मेंबरी कमेटी की तरफ से क्या कहा गया इस्तीफा नामंजूर किया जाता है, पद पर शरद पवार बने रहें। इसके अलावा जो बड़ी बातें हैं वो आपको हम ग्राफिक जरिए दिखा रहे हैं, कहा कि अपना कार्यकाल शरद पवार पूरा करें, शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार को लेकर 15 मेंबर्स की कमेटी की तरफ से जो बातें निकल कर आई हैं, तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में शरद पवार का इस्तीफा जो है उसे नामंजूर कर दिया गया है और दूसरी तस्वीर में एनसीपी में जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता जो है वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शरद पवार के बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो हैं वो यहां पर लेकर वो खड़े हुए हैं।
मुस्तफा मेरे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। मुस्तफा, बड़ा सीधा सवाल है कि जश्न की तस्वीरें अपनी जगह पर, कमेटी ने जो ये इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, अब जरा अगर तीन चार दिन की कहानी हम देखते हैं तो इसके पीछे खबर क्या नजर आती है? कमेटी ने जो प्रस्ताव था रेजिग्नेशन दिया, क्या सवाल फिर से दोहराए? सवाल यही मुस्तफा कि एक तो कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया, लेकिन अब विवाद जहां से शुरू हुआ था और जब ये कहा गया कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आपका इस्तीफा नहीं मंजूर कर सकते, हमें नया अध्यक्ष नहीं मिलेगा, तो इन बयानों के मायने क्या निकाले जाए पूरे घटनाक्रम के? बिल्कुल, अभी भी पूरा जो निर्णय है वो शरद पवार के निश्चय पर निर्भर करता है कि उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है वो रेजिग्नेशन देने का उनका इरादा क्या अभी भी अटल है, उसी पर आगे क्या होगा, एनसीपी की कार्रवाई क्या होगी, आगे उनका लीडरशिप डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें शरद पवार पर और सिर्फ शरद पवार पर निर्भर है। क्योंकि कमिटी ने उनको ये निर्णय लेके भेजा है कि हम ये चाहते हैं कि आप अध्यक्ष पद पर बने रहे, लेकिन क्या शरद पवार यही चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। अगर शरद पवार अपना रेजिग्नेशन वापस लेते हैं तो समझिए कि जो बात शुरू हुई थी वो आप कह सकते हैं कि वहीं पर आके खत्म हो गई। लेकिन दूसरा सब बड़े बात यही है कि अगर शरद पवार अटल रहते हैं कि मैं अपना निर्णय नहीं बदलूं, अजीत पवार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव दृश्य, अजीत पवार के अभी अभी जो मीटिंग से बाहर निकले हैं, अजीत पवार पर सारी नजरें हैं, अध्यक्ष पद का निर्णय वापस लेने के बाद अजीत पवार क्या कहते हैं इस विषय पर, उनके ऊपर सबसे ज्यादा निर्णय है। अजीत पवार इस वक्त बात करने से इनकार कर रहे हैं, मीडिया से बच के निकल रहे हैं, लेकिन अजीत पवार ही आप कह सकते हैं कि फोकस में थे, ये कहा जा रहा था कि उन्हीं को कहीं ना कहीं ये विषय चाहिए। अजीत पवार इस वक्त पवार साहब क्या कहना चाहेंगे, रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दिया गया है क्या? अजीत पवार ने किसी भी तरीके का कमेंट देने से आप कह सकते हैं कि अभी अभी यहाँ से निकले हैं और वो किसी भी तरह से उन्होंने मीडिया कमेंट करने से मना कर दिया है। हाँ, एक मिनट छगन भुजबल और बाकी वरिष्ठ नेता, अनिल देशमुख वरिष्ठ नेता जो है वो बात कर रहे हैं इस वक्त। आगे बढ़कर देखते हैं कि बाकी के जो वरिष्ठ नेता है वो क्या कह रहे हैं, हिंदी में जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। यूनानिमसली कमेटी ने यूनानिमसली कमेटी मेंबर ने डिसाइड किया है कि शरद पवार साहब ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहना चाहिए। सर, अभी कमेटी का फैसला शरद पवार साहब को सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार को कमेटी का फैसला सुनाने जा रहे हैं। जो यहाँ से वरिष्ठ नेतागण निकले हैं वो जा रहे हैं। पीसी चाको सर हमारे साथ हैं। सर, इट वाज एक्सपेक्टेड डिसीजन, बट विल शरद पवार एक्सेप्ट द डिसीजन? ही विल एक्सेप्ट द डिसीजन। यू आर गोइंग टू स्पीक विद हिम? या अभी कहाँ जा रहे, सिल्वर हो गया, वाईबी चौन कहाँ मिलने वाले सर? दैट आई डोंट नो, बट ही विल एक्सेप्ट द डिसीजन। सो द यूनानिमस डिसीजन? या देयर इज नो अदर फेस फॉर प्रेसिडेंट इन एनसीपी? नो अदर नेम, नो अदर ओपिनियन, इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन एंड मिस्टर पवार विल एक्सेप्ट इट। थैंक यू वेरी मच। पीसी चाको इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि शरद पवार को ये फैसला मानना पड़ेगा, उन्हीं को मनाने के फैसला दिखाने फैसला सुनाने जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं, ये देखिए जितेंद्र आवाड वहां पर है। प्रफुल्ल सर बात नहीं करेंगे, आगे बात नहीं करेंगे, पवार साहब को फैसला सुनाने जा रहे हैं। भाई मिलना तो पड़ेगा ना, भाई मेरा और हम बाकी सब लोगों का काम यही है कि हमने जो यहाँ रेजोल्यूशन किया, जो हमारे और वर्करों की और देश के सभी लोगों की जो भावना है उसके आधार पर एक हमने यहाँ रेजोल्यूशन किया, उनको जाकर कहेंगे कि भाई आप प्लीज़ हमारी बात को मानिए, और ये आपने ही बनाई हुई समिति जो आपने सभी लोगों को सुझाया था कि भाई इन लोगों ने बैठ के आगे का फैसला करना है, हम सब लोगों का ये यूनानिमस मत। ये आप कह सकते हैं प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि जो यूनानिमस डिसीजन है वो यही है कि शरद पवार अपना रिजर्वेशन वापस। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, अंतिम फैसला जो है शरद पवार पर है, लेकिन दोनों फैसलों के मायने क्या निकाले जाएंगे? अगर शरद पवार इस्तीफा वापस लेते हैं तो क्या जो उनको लेकर बातें हो रही थी प्रेशर पॉलिटिक्स की, वो पार्टी में ताकत की बिखराव के वक्त वो निकल कर आएगी? और अगर नहीं लेते हैं तो इसके मायने क्या निकाले जाएंगे?
स्थिति में सब लोग उनको सामने सामने आकर बताने की कोशिश करें कि नहीं आप ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के भीतर पार्टी के विधायक कुछ और सोच रहे हैं जो 2019 के पहले भी हुआ था, तो इसका मतलब साफ क्यों निकल कर आएगा? अगर वो इस्तीफा वापस लेते हैं तो वो इस बात को मान चुके हैं कि उन नेताओं को भी बनवा चुके हैं कि देखिए आप जो भी फैसला ले पार्टी की रैंक एंड फाइल, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, पार्टी के लोग ये मेरे साथ में है, विधायक भले ही कहीं और चले जाए लेकिन मैं पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी मेरे साथ बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो जाने वाले लोग हैं उन पर भी एक तरीके से अंकुश लग सकता है। तो आज की स्थिति में लोकसभा चुनाव में जाने से पहले, विधानसभा चुनाव में जाने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी में अपनी बात कितनी चलती है, उनका रुतबा अभी भी मजबूत है क्या, ये एक बार फिर उन्होंने जांच करके देखा है। और आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वो इस बात में सक्सेसफुल हुए हैं इस बात को मनवाने में पार्टी के उन सभी नेताओं से जो कुछ दिन पहले जाकर शरद पवार को कह रहे थे कि हमें बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए, बीजेपी के साथ जाएंगे तो पार्टी के विधायक खुश रहेंगे, अगर हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो पार्टी के विधायकों में हलचल है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ा था। तो उन सारे नेताओं से आज शरद पवार ने उसी कार्यालय में इस बात को मनवा लिया है कि नहीं आप ही पार्टी को लीड करिए, आप जो कहेंगे वो मानने को हम तैयार है। तो ये एक अहम बात शरद पवार के सामने आई। अब इसके बाद हो सकता है कि शरद पवार अपना फैसला वापस ले पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात मानते हुए, कम से कम एक साल तक पार्टी के साहिल न जाने की मुझे शरद पवार की किताब की वो लाइन याद आ गई जिसमें उद्धव ठाकरे से उन्होंने कहा था कि उन्होंने बिना लड़े ही अपनी बाजी जो है हार गए वो। इधर गोवा से बड़ी खबर आ रही है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर खरी खोटी सुनाई। जयशंकर ने कहा कि जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो सीमा पार आतंकवाद समेत आतंक का रोग जारी था। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को रोकना जरूरी है, आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम भी जरूरी है। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. तो यहाँ पर एस जयशंकर साहब को आप सुन रहे थे, श्वेता मेरी सहयोगी आपको नजर आ रही हैं गोवा से। श्वेता, गोवा की खूबसूरती से पाकिस्तान चकाचौंध तो हो गया, लेकिन खबर यह भी आई कि बिलावल ने यह भी कहा कि वक्त की नजाकत को समझा जाए, बातचीत की जाए। तो ये बदले बदले सुर जो बिलावल भुट्टो के हैं ये पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हैं या जरूरत समझ में आ रही है या अक्ल ठिकाने आ गई है? नहीं शुभांकर, इसके साथ ही वो अपने इलेक्टोरेट को भी एड्रेस कर रहे हैं, इसीलिए आपने दो और उनके स्टेटमेंट्स के हिस्से को देखना होगा जिसमें अव्वल बिलावल ये कहते हैं कि लेट्स नॉट गेट कॉट अप इन वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग, यानी केवल कूटनीति के लिए आतंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेपनाइजिंग टेररिज्म अपने आप में मुझे थोड़ा विरोधाभास लग रहा है, लेकिन अब उनकी तरफ से ये चीज कही गई है और वो जानते हैं कि अगर वो भारत का साथ भी लेना चाहते हैं तो उनके अपने देश में लोगों को नहीं पता चलना चाहिए इसका। और दूसरी चीज देखिए, जब वो ये कहते हैं कि यूनिलैटरल एंड इलीगल मेजर्स बाय स्टेट्स इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस रन काउंटर टू दी SCO ऑब्जेक्टिव्स और इसके खिलाफ लॉ, तो मतलब वो 370 को भी किसी तरीके से वो यहाँ पर बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं अपने देश के लोगों। श्वेता माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि किस वक्त केजरीवाल के खिलाफ शायद कोई बड़ा बयान दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, सुनते हैं। If LG has taken the cognizance of the matter, I think he will take any appropriate legal and technical instrument to deal with it. And as far as the government agencies is concerned, they will also deal the matter as it is required
by considering all the technicalities and the legalities. But since we are the political party, so we want to ask, as a representative of a political party, a political and moral answer from Aam Aadmi Party. Because they try to become self-proclaimed one and only exclusive copyright holder of the morality in the politics, which has been totally shattered. Any question? माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी तक का सबसे बड़ा जो रोड शो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था 50 किलोमीटर का. कौन हताश था और उसके बाद कौन हताश दिखा? मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई टिप्पणी करने से पहले इस बात पे विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जनता का इस प्रकार का भाव है सम्मान और स्नेह का प्रधानमंत्री जी के प्रति, इसलिए रोड शो करने की आवश्यकता अधिक होती है और हमारे अन्य नेताओं को भी, ताकि अधिक से अधिक जनता के साथ संवाद और अधिक से अधिक जनता के साथ संपर्क किया जा सके और वह संपर्क निकट से हो सके. देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिक आधार के ऊपर आरक्षण देने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है. इस तरह की बात करना असंवैधानिकता है और एक नहीं अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय के द्वारा यह खारिज किया जा चुका है. अब रही बात इसकी कि उनकी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि PFI जिसपे बैन है वो कहते हम लगा देंगे, और बजरंग दल जिसपे वो बैन लगा ही नहीं सकते, एक राज्य सरकार होने जाते हैं, उस पर कहते लगा देंगे. मतलब अब आप सोचिए कि इनकी क्या बात पे भरोसा किया जाए. इस बात की करामात आप समझिए, तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनकी बात की कोई वारंटी नहीं, क्या गारंटी की बात की जाए. मतलब जो हो चुका है वो कर देंगे और जो कर नहीं सकते वो भी कर देंगे. इसीलिए मैंने पुनः रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए ये सारे दल क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के प्रतीक हैं. और मैं पूर्व में बात कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, बजरंग दल पर यह प्रतिबंध लगाने का दावा नहीं कर रहे हैं, ये लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं. विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने संघ और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबंध लगाया था. नियमानुसार 90 दिन के अंदर इनको कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य एक ट्रिब्यूनल के रूप में प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जो ये साबित करने में असफल रहे और 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया, संघ और बजरंग दल दोनों को आरोप से मुक्त कर दिया. और 18 जून की रिपोर्ट पढ़ी है बाहरी ट्रिब्यूनल की, पेज नंबर 71 पे क्लियर कट लिखा, कोई एविडेंस ही नहीं था सरकार के पास. तो इसका मतलब चाहे भूत हो या वर्तमान हो, दोनों उनका ऐसा है तो भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं. बजरंग बली का नाम लेके तो भय दूर भागता है, अब उससे भयभीत कौन होता है वो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि बजरंग बली के नाम से कौन भयभीत होता है. सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, जो कर्नाटक के दृष्टिकोण से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, निशाना साध रहे थे.